भदोही के गोपीगंज माँ सिंहवाहिनी समिति की ओर से बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता को चार चांद लगना शुरू हो गया है। अमेरिका की न्यू जर्सी रॉबिन्स बिले अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर बनाए जा रहे पंडाल को अलौकिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। बताते चले कि गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड काली देवी मोहल्ले में 1991 से माँ सिंहवाहिनी श्रृंगार समिति के नेतृत्व में दुर्गा पूजा करवाया जा रहा है। समिति हर साल विश्व के जाने माने और प्राचीन तथा ऐतिहासिक मंदिरों की तर्ज पर पंडाल को बनवाता चला आ रहा है। पंडाल बनाने में बंगाल के कारीगर नेपाल दादा अपने 2 दर्जन सहयोगी कारीगरों के साथ 2 माह से पंडाल को रूप देने का कार्य कर रहे हैं। मूर्तिकार सूर्यमान सरदार सुरजीत पालता है। कमेटी के सचिव रामकृष्ण खट्टू ने बताया कि 8 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए पंडाल पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दुर्गा माँ का कार्यक्रम 16 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समिति की तरफ से सभी उपाय किए गए हैं। माँ सिंहवाहिनी श्रृंगार समिति शिवम क्लब गोपीगंज के नेतृत्व में यह दुर्गा पूजा पंडाल निरंतर 3400वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 2 माह का समय लगता है और अभी तो बांस और बल्ली लकड़ी का काम पूर्ण हो गया है। अब जो है कपड़े का काम चल रहा है, जो कि 8 अक्टूबर को पूर्णतः पूर्ण हो जाएगा। यह मंदिर अमेरिका के रॉबिन्स विले शहर में स्थित स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम के तर्ज पे बनाया जा रहा है। लगभग 70 लाख के आसपास आकी गई है। इसमें लगभग 25 कारीगर लगातार 2 से 2.5 महीने तक अपने अथक प्रयास से इस पंडाल को सजाने और संवारने का काम करते हैं और मूर्तिकार भी लगभग 2 महीने से इस मूर्ति को बनाने में लगे रहते हैं। इन 34 वर्षों में आम जनता के सहयोग से यह पंडाल बनाया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष उदयभान सिंह और डॉक्टर सिंह और श्री पालादास जी गुप्ता जी का विशेष सहयोग रहता है। वैसे तो सहयोग कई जिलों के लोगों का हमेशा मिलता रहा है। यह पंडाल 8 अक्टूबर दिन मंगलवार से शुरू होकर के 16 अक्टूबर दिन बुधवार तक रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है यहाँ पे जो है एक एंट्री गेट है और जो है 2 एग्जिट गेट है और सुरक्षा के दृष्टि से बैरिकेडिंग बनाई जाती है और जिला प्रशासन का सहयोग हमेशा इस पंडाल पर रहा है।